हे एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें जब एक बाप को अपनी बेटी की सच्चाई पता चलती है तो वो अपनी बेटी के साथ ही फिजिकली इंटीमेट होता है। दोस्तों, इस मूवी का नाम बटरफ्लाई है जो कि साल 1982 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 4.7 आउट ऑफ 10 स्टार है। सो नाउ विद दैट सेट, लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी शुरू होती है, हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम कैडी होता है। कैडी एक सुनसान रास्ते पे खड़ी होती है और वहाँ वो एक इंसान से लिफ्ट मांगती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ड्राइवर कैडी के साथ अजीब बिहेव करता है, जिसके बाद फिर कैडी समझ जाती है कि उस ड्राइवर को क्या चाहिए। उसके बाद फिर कैडी अपने कपड़े उतारने लगती है और फिर एक्साइटमेंट में ड्राइवर भी अपना पैंट वगैरह खोल लेता है और उसके बाद फिर कैडी मौका देख के वहाँ से भाग जाती है और जब तक ड्राइवर अपना पैंट पहनता तब तक कैडी भाग के बहुत दूर निकल चुकी होती है। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि कैडी को वहाँ पर एक घर दिखता है और वो उसके घर में चले जाती है और उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि उस घर का जो ओनर होता है वो वहाँ आ जाता है और फिर वो कैडी को देख के पूछता है कि तुम कौन हो, जिसके बाद फिर कैडी उसके साथ फ्लोट करने लगती है और ये बात उस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। दरअसल इस इंसान का नाम जैस होता है और वो बहुत ही सनके किस्म का इंसान होता है क्योंकि इसकी बीवी 15 साल पहले इसे छोड़ के जा चुकी है और यहाँ पर वो एक माइनिंग एरिया की देखभाल करता है और यहाँ पर वो कभी कभी माइनिंग भी करता है। और फिर यहाँ हम देखते हैं कि जैस कैडी को वहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर वो खुद गाय का दूध निकालने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर कैडी उसके पास आ जाती है और वो उस गाय के दूध को पीने लगती है और वो बहुत ही अजीब तरह से पीती है, जिसके बाद फिर जैस उसे देखता है और वो उसके बारे में पूछता है और जब कैडी अपने बारे में जैस को बताती है तो जैस पूरा श्योर हो जाता है कि कैडी उसी की ही बेटी है। पर यहाँ पर वो कैडी से कुछ भी नहीं कहता और उसके बाद फिर कैडी अपना सामान लेके जैस के घर चली जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जब रात में ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जैस कैडी से उसके बारे में पूछता है, जहाँ पर कैडी उसे बताती है कि उसकी मॉम एक प्रोस्टिट्यूट थी और वो भी स्कूल के टाइम एक लड़के के साथ इंटीमेट होने की वजह से प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके बाद कैडी का एक बेबी भी है। और ये सब बात जानने के बाद जैस कैडी से कहता है कि तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ, पर फिर कैडी जैस को मना लेती है और कैडी यहाँ पर खुशी खुशी मान जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब कैडी रात को अपने कपड़े चेंज कर रही होती है तो यहाँ पर शेडो की मदद से जैस उसे देखता है और फिर सुबह में जैस उस माइनिंग एरिया में जाता है और तब तक कैडी भी वहाँ पहुँच जाती है, जिसमें जैस उसे बताता है कि अब ये माइनिंग एरिया एकदम बेकार है क्योंकि यहाँ पर अब कुछ भी नहीं मिलने वाला, जिस पर कैडी कहती है कि आई एम श्योर यहाँ पर कम से कम इतना चांदी तो ज़रूर निकल जाएगा जिससे हम दोनों खुशी खुशी रहने लगेंगे। पर फिर जैस उसे बोलता है कि तुम अपने काम से काम मतलब रखो और मेरे काम में बिल्कुल भी टांग मत अड़ो। पर यहाँ पर कैडी उसे ही बुरा भला कहने लगती है और वो कहती है कि वो अपने बच्चे के लिए चाहे जो हो जाए वो करेगी। और फिर यहाँ पर जैस कैडी को ले करके एक चर्च जाता है, पर यहाँ पर चर्च में कैडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है, जिस पर जैस उसे रोकने की कोशिश करता है पर कैडी नहीं सुनती। और फिर जब जैस अपने घर जाता है तो हम देख पाते हैं कि कैडी एक दिन तक घर नहीं आती और फिर वो दूसरे दिन किसी कार में आती है, जिसके बाद फिर जैस उससे पूछता है कि ये गाड़ी किसकी थी, जिसमें कैडी बताती है कि ये बस उसकी एक फ्रेंड की थी। और फिर जब कैडी अपने रूम में होती है तो यहाँ पर जैस उसके पास जाता है और वो उससे चर्च वाले इंसिडेंट के लिए माफ़ी मांगता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों लगभग इंटीमेट होने लगते हैं। पर यहाँ पर जैस को मालूम होता है कि कैडी उसी की बेटी है, जिसके वजह से वो रुक जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दूसरे दिन ये लोग माइनिंग करने के लिए जाते हैं पर इन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, जिसके बाद फिर ये दोनों घर आते हैं, जिसके बाद फिर जैस कैडी के लिए पानी गर्म करता है और वो कैडी से कहता है जाके नहा ले। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि कैडी जैस के सामने अपने सारे कपड़े उतार के नहाने लगती है। अब यहाँ पर वो जैस को बोलती है कि क्या तुम मेरा हेल्प कर दोगे नहाने में, और यहाँ पर जैस उसके नहाने में हेल्प करने लगता है पर फिर जैस आगे नहीं बढ़ता और वो रुक जाता है। इस पर कैडी उसे कहती है कि उसे आगे और भी कुछ करना चाहिए, पर फिर जैस उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और वो चला जाता है सोने। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों वापस से माइनिंग करने के लिए जाते हैं, जिसके बाद इन्हें वहाँ पे से काफ़ी सारा सिल्वर मिलता है और फिर ये दोनों मार्केट जाते हैं उस सिल्वर को सेल करने। और जब ये दोनों मार्केट पहुँचते हैं तो यहाँ पर कैडी जैस से कहते हैं कि तुम जा कर के चांदी बेचो, तब तक मैं यहीं बाहर हूँ। और जब जैस चांदी बेच कर बाहर आता है तो उसे कैडी कहीं नहीं दिखती, जिसके बाद फिर जैस एक शॉपकीपर वाले से पूछती है, जिसमें वो शॉपकीपर वाली बताती है उसे कि कैडी सामने एक पब में गई है। और फिर यहाँ पर जैस उस पब में जाता है और वो कैडी को एक इंसान के साथ नाचते हुए देखता है,
और यहाँ पर जैस कैडी से कहता है कि अब उसे घर चलना चाहिए, पर कैडी जैस से कहती है कि उसे जो चीज़ चाहिए था जैस उसे बिल्कुल भी नहीं दे रहा, जिसके वजह से वो आज इसी इंसान के साथ गुजारना चाहती है। जिस पर जैस समझ जाता है कि कैडी किस चीज़ के बारे में बात कर रही है, और फिर वो उसे कहता है कि वो इस सारी चीज़ों के लिए राजी है, अब वो उसके साथ घर चले। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों घर आ जाते हैं, और फिर जब ये दोनों घर पहुंचते हैं तो हमें दिखाया जाता है कैडी की बहन को, जिसका नाम जेनी होता है, और जेनी अपने साथ कैडी के बच्चे को लेके आती है। और फिर हम देखते हैं कि पहले तो जैस उस बच्चे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, पर रात होते ही उस बच्चे को वो खुद खिलाने लगता है, और तभी वो उसके नाभि के पास एक दाग को नोटिस करता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जेनी को जो कि कैडी के पास जाती है, और वो उससे बोलती है कि बॉस शादी के लिए मान गया है और वो कल तुम्हें लेने आ रहा है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि दूसरे दिन ही बॉस कैडी के पास आता है, और कैडी देख के उसे बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जब ये सारे लोग बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर बॉस सबसे कहता है कि वो कैडी के साथ दो दिनों के अंदर ही शादी करने वाला है, और जब ये सारे लोग बात कर ही रहे होते हैं, और तभी हमें एडलम को दिखाया जाता है। दरअसल जैस और एडलम की पुरानी दुश्मनी होती है, जिसके वजह से जैस अपने घर से गन निकाल लेता है और वो एडलम पे तान देता है। पर एडलम जैस को नॉर्मल करने की कोशिश करता है, पर वो नॉर्मल नहीं होता, जिसके वजह से एडलम मॉर्गन को अपने कार से बाहर निकालती है, और मॉर्गन और कोई नहीं बल्कि जैस की वाइफ होती है। और अपने वाइफ को देख करके जैस काफ़ी नॉर्मल हो जाता है। और उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि एडलम उसकी वाइफ मॉर्गन को हाथ पकड़ के घर लेके आता है, क्योंकि उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रात में एडलम मॉर्गन के पास जाता है और वो उससे बात करने लगता है, पर तभी मॉर्गन एडलम पे हमला कर देती है, पर यहाँ पर एडलम उसे ही मार देता है। और फिर हमें सुबह दिखाया जाता है कि ये सारे लोग मॉर्गन को दफना रहे होते हैं, पर तभी यहाँ पर जैस नोटिस करता है और उसे लगता है कि शायद एडलम को खदान के बारे में पता चल चुका है, और उसके बाद फिर वो दौड़े दौड़े खदान की तरफ जाता है, और यहाँ पर उसे एडलम दिखता है। और यहाँ पर जैस एडलम के पीठ पर बने निशान को नोटिस करता है, जो कि हूबहू कैडी के बच्चे से मैच खाती थी। और यहाँ पर जैस को समझ आता है कि दरअसल कैडी का जो बच्चा है वो एडलम का है, ना कि बॉस का, और इसी वजह से मॉर्गन एडलम को मारना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये बात किसी और को पता चले। और ये सब जानने के बाद जैस एडलम को जान से मार देता है, और वो वहीं पर उसकी लाश को फेंक देता है। और फिर वो बॉस के पास जाता है और वो उससे सारी बातें बता देता है कि ये बच्चा उसका नहीं बल्कि एडलम का था, जिसे जानने के बाद बॉस कैडी से शादी करने के लिए राजी नहीं होता है। और फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि कैडी तैयार होकर के बॉस का वेट करती है, पर बॉस उसे लेने नहीं आता, जिसके बाद फिर कैडी बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाती है। और फिर जब ये लोग रात में डिनर कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जैस कैडी को बुरी तरह से टच करता है, क्योंकि अब जैस समझ चुका था कि कैडी उसकी बेटी नहीं है, जिसके वजह से वो खुद कैडी को लाइक करने लगता है। और फिर वो कैडी से कहता है कि कल वो दोनों माइनिंग के लिए जा रहे हैं, जिसपे कैडी बहुत ज़्यादा खुश होती है। और फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि कैडी और जैस माइनिंग के लिए जाते हैं, पर यहाँ पर कैडी का पाँव फिसल जाता है, जिसपे जैस उसे संभाल लेता है। पर यहाँ पर कैडी उसकी बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुकी थी, और दोनों फिर इंटीमेट होने लगते हैं, और इंटीमेट होते होते वो दोनों खदान के अंदर चले जाते हैं, और वहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। पर इन दोनों को इंटीमेट होते हुए वहाँ पर एक इंसान देख लेता है, जो कि उनकी पुलिस कंप्लेन कर देता है, और नेक्स्ट डे इनके घर पुलिस आ जाती है और इन दोनों को अरेस्ट करके लेके जाती है, जिसके बाद इन दोनों को कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। और फिर यहाँ पर जज उनसे कहता है कि तुमने बहुत ही बड़ा पाप किया है, अपनी ही बेटी के साथ फिजिकली इंटीमेट हो गए। जिसके बाद फिर जैस जज से कहता है कि कैडी उसकी बेटी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कैडी एडलम की बेटी थी। और वो इस बात को बहुत ही आसानी से प्रूव भी कर देता है, क्योंकि कैडी के पेट में भी वैसा ही निशान होता है जैसा कि एडलम का था। और उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि कोर्ट इस बात को मान लेती है और ये दोनों रिहा हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों शहर में एक मकान ले लेते हैं और वहाँ पर खुशी खुशी रहने लगते हैं। सो होप आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।